फ्रेंडशिप डे की सभी को बधाई हो। इस वीडियो में कुछ लोगों को रोना आ जाएगा। दोस्ती की बात हो और उधार लेने वाले दोस्तों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को उधार देता है तो वो दोस्त बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर वही दोस्त उधार वापस मांगने लग जाए तो सामने वाला जो दोस्त है के सामने वो बुरा बन जाता है। कई बार तो वो फोन भी ब्लॉक कर देता है, फिर उसको दूसरे दोस्त से उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेना होता है। पैसे लेने के लिए वो दुनिया में जितने उसके दुश्मन ही होंगे ना, जिसने उधार लिया होगा, सबसे बड़ा दुश्मन वही बन जाएगा जिसने उसको उधार दिया हो। इस 100 में से लगभग लगभग मतलब मेरे हिसाब से 80% दोस्तों के साथ तो यही हुआ होगा। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि कभी किसी ने मुझसे मतलब पैसा तो मांगा नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझसे मांगे तो मैं तो यही बोलूंगी, मैं यही बोलूंगी मैं तो कंगली हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं। और मेरा फंडा भी यही है कि दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू और नो पैसा, नो उधारी, ऐसा ही करना चाहिए। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि आप उधार तो दे देते हो, सामने वाला पैसे भी ले लेता है, और एक्चुअली वो क्या करता है कि पैसे तो ले लेता है आपसे और वो बाकी लोगों को भी यही कहता है कि यार ये तो बड़ा बेवकूफ है, इससे मैंने थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल किया और इसने मुझे उधार दे दिया। तुमको कभी उधार चाहिए होगा ना तो तुम इसको इमोशनली ब्लैकमेल करके इससे पैसे ले सकते हो, आपको हर जगह दिखने को मिल जाएगा। और फिर क्या होता है, जिसने उधार दिया होता है ना, वो मतलब जो अच्छा इंसान होता है, वो उसकी जो इमेज होती है ना सबके सामने, वो एक बेवकूफ इंसान वाली बन जाती है, मतलब सारे दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, मतलब। और ये बात जब फैमिली में चली जाती है, रिलेटिव्स के पास चली जाती है, तो उसकी जो पोजीशन होती है ना, जो उस जो जिसने उधार दिया होता है, वो एक बेवकूफ या फिर कहते हैं पागल टाइप का, उसकी एक इमेज बन जाती है कि ये तो ऐसे ही है, मतलब ऐसे बेकार आदमी है, जो कमाता है वो उधारी में देता है, उधारी के पैसे उसको वापस नहीं मिलते। और कई बार तो ये भी होता है कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, किसी के साथ, आपने न्यूज में भी देखा होगा कई बार कि क्या होता है कि बंटवारे में भी ना ढंग से बंटवारा नहीं होता, और कई बार तो दुश्मन इतनी खतरनाक हो जाती है कि मर्डर तक हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी सबसे कि दोस्ती करो, लेकिन एक लिमिट में करो। आपको लगता है कि हाँ फ्रेंड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और तो पैसों को बीच में कभी मत लेकर आओ। और अभी अगर अगर अभी आपका कोई नया नया दोस्त बना है, अभी 4 दिन 5 दिन हुए हैं और वो पैसे की डिमांड कर रहा है, आपको लगता है कि यार वो रिच फैमिली से है, मैं इसको पैसे दे दूंगा, ये मुझे वापस तो कर ही देगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इसी में लोग धोखा खा जाते हैं, जो 5 करोड़ के 10 करोड़ के जो स्कैम होते हैं, कुछ कुछ लोगों से पैसे मांगे, इकट्ठे किए और भाग गए। कमेटी बनाई, 2-3 महीने दोस्ती अच्छे से करी, कमेटी चलाई, पूरी कमेटी हुई नहीं उससे, पैसे जैसे नंबर आया और वो लेके पैसे लेके भाग गए। तो ये पैसा ऐसी चीज है ना, ये रिश्तेदारी तो खराब करता ही करता है, दोस्ती भी खराब कर देता है। और दोस्ती का जिक्र हो और कृष्ण सुदामा की बात ना हो तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। कृष्ण भगवान जो थे, जिस टाइम द्वारका जी में जो राज कर रहे थे, तो उस वक्त जो सुदामा थे अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ बड़ी दरिद्रता की जिंदगी जी रहे थे, उनके पास 2 वक्त की रोटी तक का खाना का नहीं होता था। तो जो उनकी पत्नी थी, सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला, उसने कहा कि तुम हमेशा कहते रहते हो कि मेरा जो कृष्ण है बहुत अमीर है, राजा है, तुम एक काम करो उसके पास जाओ और उससे मुझसे कुछ हेल्प मतलब हेल्प मदद मांग के लाओ। आज के टाइम में हेल्प कहते हैं, मदद मांग के लाओ। कई लोगों को तो मदद के बारे में पता भी नहीं होगा, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे जो बच्चे अगर वही वीडियो को देखते हैं, तो मदद मांग के लाओ। तो सुदामा जी पहुंच जाते हैं, जब सुदामा जी पहुंचते हैं कृष्ण भगवान के महल के पास, तो वो जो द्वारपाल होते हैं उनसे कहते हैं कि मैं कृष्ण का दोस्त हूं और मुझे मिलना है, मुझे कृष्ण से मिलना है। जो तो द्वारपाल होते हैं, अंग्रेजी में होता है गेट कीपर, द्वारपाल लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, गूगल में सर्च करना पड़ेगा। तो कई लोगों तो द्वारपाल हंसते कहते, देख तेरी धोती फटी हुई है, ढंग के तेरे कपड़े नहीं है और तू कृष्ण को अपना दोस्त कहता है। कई द्वारपाल जो होते गेट कीपर होते मजाक उड़ाते हैं, तो दुखी हो गए कि अगर कृष्ण 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 से मेरी मुलाकात होती है, तो सुदामा जी सोचते हैं अगर कृष्ण से मेरी मुलाकात होती है तो उनको भी मतलब बुरा लगेगा, उनको गिल्टी फील होगा, तो वापस लौटने चले जाते हैं। तभी द्वारपाल कृष्ण जी के पास आता है और कहता है कि एक आदमी, सुदामा नाम का आदमी आया और वो आपको अपना दोस्त बताता है। तभी कृष्ण भगवान नंगे पैर भागते हैं आस पास जाके महल के, मतलब वो तो निकल चुके होते हैं सुदामा जी अपने घर के लिए, लेकिन कृष्ण भगवान भागते हुए जाते हैं और अपने उनको वापस लेकर आते हैं अपने महल में, और अपने आंसुओं से उनके पैर धोते हैं और
उनको अच्छा खाना खिलाते हैं। जब वो सुदामा जी खाना खा रहे होते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है कि देखो मेरे बच्चे कितने भूखे हैं और मैं यहाँ पे इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ। जब जब खाना वाना खा लेते हैं सुदामा जी, तो कृष्ण भगवान देखते हैं कि उनकी पोटली में उनके उन्होंने ना पोटली में कुछ छुपा रखा है। एक्चुअली हुआ ये होता है कि एक रस्म होती है कि अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो आपको जिससे मिलने जा रहे हैं, दोस्त के घर या किसी रिश्तेदार घर, तो कुछ गिफ्ट लेके जाना होता है, कुछ चीज लेके जानी होती। खाली हाथ जाने का रिवाज नहीं होता हिंदू धर्म में, बाकी लोगों में भी होता है, लेकिन हिंदू धर्म में होता है कि अगर आप पहली बार किसी के पास जा रहे हो या किसी के घर जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाते। तो जो सुदामा जी की पत्नी होती है सुशीला, वो क्या करती हैं, वो पड़ोस से थोड़े बहुत चावल मांग लेती है और पोटली में बांध के दे देती हैं। तो वही पोटली में बंधा हुआ चावल रखा होता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हारी पोटली में क्या है, मुझे लगता है कि भाभी ने कुछ गिफ्ट कुछ दिया है मेरे लिए। तो सुदामा जी कहते हैं नहीं, इसमें कुछ नहीं है। सुदामा जी को फील होता है कि देखो इतना अच्छा पकवान बना हुआ है, ये चावल क्या खाएंगे। तो छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्ण जी झपट लेते हैं उस जो पोटली होती है, पोटली मतलब कपड़े में बांधा हुआ थोड़ा सा चावल। तो वो खाते हैं, तो वो एक मुट्ठी खाते हैं कृष्ण जी, फिर दूसरी मुट्ठी खाते हैं, तो दो लोग के स्वामी बना देते हैं कृष्ण भगवान सुदामा को। जब तीसरी मुट्ठी खाने को होते हैं तो रुक्मणी जी और जो बाकी जो महारानी रुक्मणी जी होती हैं, तो वो हाथ रोक लेती हैं। वो कहते हैं कि आप अगर तीसरा भी मुट्ठी अगर आप खा लेंगे और तीसरा लोग भी दे देंगे तो देवता लोग कहाँ जाएंगे, तो तीसरी मुट्ठी नहीं खाते हैं। अब 2 दिन रुकते हैं सुदामा जी कृष्ण जी के पास और वो जाने लगते हैं। कृष्ण भगवान को कुछ नहीं देते, कृष्ण भगवान नहीं चाहते कि मैं अपनी फ्रेंड की इंसल्ट करूं, मैं उनका अपमान करूं कुछ दे के उनको बुरा लगे, तो सुदामा जी को वो खाली हाथ भेज देते हैं, कुछ नहीं देते। अब सुदामा जी बड़े चिंतित होते हैं, बड़े दुखी होते हैं, कहते हैं कि मैं घर जाऊंगा, मेरी बीवी मुझसे पूछेगी कि कृष्ण से तुम मिलकर आए, महल गए थे तो उन्होंने तुम्हें 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 क्या दिया, तुम खाली हाथ कैसे आ गए। तो ये सोचते हुए जाते हैं, सोचते हुए जाते हैं, बड़े दुखी होते हैं कि कृष्ण ने कृष्ण के हाथ से मैं खाली हाथ आया, मुझे कुछ मिला नहीं है, अब मेरा क्या होगा, मेरी बीवी भी मेरा अपमान करेगी। ये सोचते हुए जैसे वो अपने गांव में जाते हैं, अपनी झोपड़ी के पास जाते हैं, तो देखते हैं कि उनकी झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा हुआ है। और उनके मन में शंका होती है कि ये लगता है मैं किसी और गाँव में आ गया हूँ, कहीं और जगह आऊंगी, मेरा घर तो कहीं और है। लेकिन तभी उस महल में से इनकी जो पत्नी है सुशीला, वो आती है और कहती है कि देखो कृष्ण भगवान की अपरम लीला देखो, उन्होंने हमें इतना सब कुछ धन धान दे दिया, आप धन्य हो, आपके दोस्त धन्य हैं जो उन्होंने हमारे पे कृपा की, हमारी दृढ़ता मिटा दी। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं होता, आज के जमाने की जो है आजकल का मॉडर्न जमाना हो गया है, अगर एक अमीर लड़का है और तो अमीर इंसान के बहुत सारे दोस्त होते हैं, गरीब का इतना कोई दोस्त नहीं होता, ठीक है ना। एक गरीब दोस्त होगा ना, वो अपने दूसरे दोस्त के लिए मरने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं करेगा। लेकिन अगर एक अमीर आदमी होगा ना, और उसके एक अमीर आदमी अगर एक कॉल भी कर देगा ना, यार चल आ जा खाना खाने आ जा, तो लोग तुरंत भाग के जाते हैं। लेकिन अगर एक गरीब दोस्त बुलाएगा ना कि यार मेरे घर में यार बहुत प्रॉब्लम है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, तो कोई दोस्त मदद करने नहीं आता। 100 में से सिर्फ एक दोस्त होगा जो मदद करने आएगा उस गरीब दोस्त की। तो आजकल का जमाना बिल्कुल बदल चुका है। अगर अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स लोग टूर बनाते हैं घूमने का, तो उसी में से कुछ दोस्त कहते हैं यार उसको नहीं लेके जाएंगे, यार पता नहीं वो उसके टूर के पैसे भी हमें ही देने पड़ेंगे, उसके खाने पीने का खर्चा भी हमें ही देना पड़ेगा। तो सामने वाला कहता है कि अगर यार उसको लेकर नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा, तो यार एक काम करेंगे बता देंगे यार अचानक प्लान बन गया था, ऐसे तुझे बुला नहीं पाए। ये अक्सर मैंने देखा है, कई लोगों के साथ होता है। लड़कियों में लेडीज लोग में तो इतना उधार उधार नहीं देती हूँ, लेकिन दोस्तों में उधारी बहुत चलती है, और यही उधारी उनकी कई बार यही उधारी कई बार उनकी दुश्मनी बन जाती है, उनकी जिंदगी जान की दुश्मन बन जाती है। तो आज का वो जमाना नहीं रहा कि एक अच्छे दोस्त की कोई कदर करता हो, बहुत मुश्किल से होते हैं जो लोग कदर करते हैं। कई बार क्या होता है कि बड़े अमीर, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अमीर जो लोग होते हैं ना, वो खासकर कुछ गरीब लोगों को भी दोस्त इसलिए बना के रखते हैं कि कब इससे काम करवाया जाए अपने सेल्फिशनेस के लिए। वो ऐसे दोस्त नहीं बनाते कि जिगरी दोस्त है, ये गरीब दोस्त है, इसका ये करना है वो करना है, वो अपना काम करवाने के लिए गरीब लोगों को दोस्त बनाते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो दोस्ती के अलग अलग रूप होते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत सी फ्रेंड्स हैं मेरी, बहुत अच्छे लोग मिले मुझे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिन्हें अवॉइड करना पड़ता है, और जिन्हें जो जिगरी दोस्त होते हैं ना, जो पैसा वैसा नहीं देखते, जो 100 में से किसी एक को मिलता है, जो मुझे भी बहुत सारे फ्रेंड्स मिले हुए हैं,
तो ऐसे लोगों को पीछा, ऐसे दोस्तों को पीछा छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कितने भी बुरे हालात आ जाए। अगर वो आपको इग्नोर मारे भी ना और आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके पीछे लग जाना चाहिए, उसको तंग करते रहना चाहिए। और कई लोग ना, कई दोस्त ऐसे होते हैं ना, आपस में चिढ़ते मिटते रहते हैं, कूटते रहते हैं, हर टाइम दुखी रहेंगे। भगवान सब कुछ दे रखा है, नौकरी दे रखी है, अच्छा घर बार दे रखा है, अच्छे भाई बहन है, मतलब भगवान की तरफ से उनको सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन तब भी वो रोते रहते हैं। अब पता नहीं जाने को किस चीज की टेंशन होती है, ठीक है ना। तो ऐसे दोस्तों को ना और तंग करना चाहिए, उनको चैन से जीने नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो दुखी होती हैं, तो मैं उनको और दुखी कर देती हूँ, तो उनको समझ में नहीं आता कि मैं उनको मोटिवेट कर रही हूँ या डिमोटिवेट कर रही हूँ। बाद में मैं उनको समझाती हूँ कि देखो टेंशन करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ज्यादा टेंशन करोगे चेहरे पे झुर्री झुर्रियां आ जाएंगी, रात को नींद नहीं आएगी, ठीक है ना। और ज्यादा सोचते रहोगे, टेंशन करते रहोगे, क्या होगा, बीमारी पकड़ लेगी 2 3। तो वही है, दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, और जो दोस्त बन गए उनको संभाल के रखना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार मजबूरियां होती हैं, कई बार दोस्त कई कई महीने फोन नहीं कर पाते, मैसेज नहीं कर पाते, तो हमें उन दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहिए, उनका जिंदगी में पीछा करना चाहिए, उनको मैसेज और फोन कर करके तंग करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि भैया किस्मत से देखो, रिश्तेदारी जो होती है वो तो हमारे हमारे जब हम पैदा होते हैं ना, तो वो रिश्तेदारी हमारे माथे पर लिख कर आ जाती है कि भैया ये तो ये तुम्हारा रिश्तेदार है, ये चाचा है, चाची है, ये मौसा है, मौसी है, ये भाई है, ये बहन है, ये हो गया जन्मजात। लेकिन जो दोस्त होते हैं ना, वो अपनी मर्जी से बनाते हैं, अपनी पसंद से बनाते हैं, जो हमारे दिल को भाता है, जिसे हम अपनी हर चीज शेयर कर सकते हैं, जिससे हम हर चीज की चुगली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लेडीज लोग ही चुगली करती है, लड़के लोग भी चुगली करते हैं, मैंने कई बार देखा, इधर की उधर, उधर की इधर करते रहते हैं। लेकिन मैं एक बार ये कहूंगी कि पैसे को कभी भी बीच में लाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, इस चीज का आप ध्यान रखिए। वैसे तो मेरी जितनी है नहीं कि मैं आप लोगों को राय दूं, क्योंकि मेरी वीडियो तो कई लोग देख रहे होंगे जो बुजुर्ग होंगे, जो मेरे से उम्र में काफी बड़े होंगे, तो मेरे को तो कोई हक नहीं बनता कि मैं उनको सजेशन दूं, बल्कि मुझे तो उन लोगों से सजेशन लेना चाहिए। और आप सभी को फ्रेंडशिप डे की बधाई हो, धन्यवाद।